Up candidates on Wednesday took an oath and signed affidavits that if they win, they will work with honesty and will not join any other party. A photocopy of the affidavits will be sent to the voters in each constituency so that they can file cases if the candidates defect. अगर जीते तो हम ईमानदारी से काम करेंगे, हम रिश्वत नहीं लेंगे, हम करप्शन नहीं करेंगे, और दूसरा कि हम आम आदमी पार्टी छोड़ के किसी और पार्टी में नहीं जाएंगे। हमारे कैंडिडेट्स हमने बहुत ध्यान से चुने हैं, एक 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 कैंडिडेट को हमने देखा है कि वो साफ इमेज वाला है, अच्छा कैंडिडेट है, ईमानदार कैंडिडेट है। हमने अपने सभी कैंडिडेट्स को अच्छे से चुना है, तो सभी ईमानदार कैंडिडेट्स हैं, अच्छे कैंडिडेट्स हैं। फिर इस एफिडेविट की क्यों जरूरत पड़ी? इस एफिडेविट की जरूरत है कि यू शुड नॉट जस्ट बी ऑनेस्ट बट यू शुड ऑल्सो सीन टू बी ऑनेस्ट। जनता को भरोसा दिलाना है, जनता भरोसा नहीं करती है कि ईमानदारी से सरकार चल सकती है, ईमानदार कैंडिडेट्स भी हो सकते हैं, तो जनता को भरोसा दिलाना है। ये एफिडेविट आज साइन करके आप सब लोगों के सामने ये एफिडेविट्स दिखा रहेंगे अभी, और इसकी कॉपीज हम हर कैंडिडेट अपनी अपनी कंस्टिट्यूएंसी में हर घर के अंदर इसकी फोटोकॉपी भिजवाएगा। वो एक तरह से हम ये कह रहे हैं कि अगर मैं बेईमानी करूं या अपनी पार्टी बदलूं तो आप मेरे ऊपर केस कर सकते हो, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का, झूठा एफिडेविट साइन करने का, कई सारे केसेस बनेंगे फिर। तो एक तरह से हम अपने हाथ काट के जनता को दे रहे हैं, जनता को ताकत दे रहे हैं। तो मैं अब अमित जी से रिक्वेस्ट करूंगा, अमित जी ये एक एक लाइन पढ़ेंगे, वो सबको ये आप सबके सामने शपथ दिलवाएंगे, ये जो भी एफिडेविट में लिखा है वो सब लोग शपथ लेंगे, और उसके बाद इसकी फोटोकॉपीज जो हैं रेस्पेक्टिव कंस्टिट्यूएंसीज में बांटी जाएंगे। हाउ तुमचे नाव सांगता? अमित अशोक पालेकर, वर्षा 45 वर्षा, रावपी सांताक्रूज, सोपुतपत्र बरोवपाचे कारण म्हळ्यार सांताक्रूजच्या लोकांनी म्हाका आमदार म्हणून वेचून दीत जाल्यार देवाक साक्षी दवरून हांव सोपूत घेता की हांव केन्नाच लाच घेवचो ना। हांव आम आदमी पार्टी सोडून बाकीच्या खंयच्याच पक्षांत वचचो ना। हांव सांताक्रूजच्या लोकांची मनासावन सेवा करतलो, हे म्हजे वचन आसा, आनी हांवें दिल्ले उतर पाळूंक ना जाल्यार सांताक्रूजचे लोक म्हज्या आड कायदेशीर कारवाय करूंक शकतात।